जय हिंद। आज है 12 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 12 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। लेकिन डेली की तरह हम क्या करते हैं, पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं। तो कल की क्लास यानी कि 11 सितंबर की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पहले ऑपरेशनल टेक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी ये रिसेंटली लॉन्च की है। भारत और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन शुरू हुआ है। तमिलनाडु के सलेम जिले के साबुदाना को जीआई टैग मिला है। G20 में अब ऑफिशियली अफ्रीकी यूनियन शामिल हो चुका है, जिसमें कि 55 देश शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई है। वुमन फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को बनाया है। झारखंड राज्य ने यहाँ की जो कैबिनेट है, यहाँ ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए इसने पेंशन और ओबीसी के दर्जे के दिए जाने की मंजूरी दी है। फिजियोथेरेपी डे 7 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। हिमालय दिवस ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में सरयू नदी पर जटायु क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 4.4 अरब डॉलर बढ़ करके 598.9 अरब डॉलर, ये अभी फिलहाल सितंबर के फर्स्ट वीक की न्यूज़ है, ये हो गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने जा रहा है जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला ये पांचवा देश बनने के पर्पज से 7 सितंबर को ये स्लिम लॉन्च कर चुका है। डेली वैसे मैं आपको 12-12 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ करंट अफेयर के, और कंटेंट में 12 ही रखे हैं मैंने। इसमें से कुछ 2-3 दिन पुराने यदि क्वेश्चन छूट गए हैं तो वो मैंने यहाँ ऐड करने की कोशिश की है। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जिसे आप कहते हैं जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसके अनुसार ये जो स्लिम है ये 3 से 4 महीने की अवधि में चंद्रमा पर जाने से पहले पृथ्वी की कक्षा में पहला महीना है जो कि बिताएगा, बाद में चंद्रमा पर ये जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है अभी ये अगस्त के महीने में ही, 23 अगस्त की न्यूज़ है, भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था इसने साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी। ठीक है, वैसे साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला ये चौथा देश, माफ कीजिएगा, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला तो पहला देश बना, लेकिन चंद्रमा की सतह पर ये सॉफ्ट लैंड हुआ ऐसा करने वाला चौथा देश था। यहाँ साउथ पोल को यदि मैं शब्द हटा दूँ तो वैसे ये चौथा देश बना था भारत, जैसे कि इसमें एक अमेरिका है, इसमें चाइना और रशिया, भारत से पहले 3 देश है ना। तो चंद्रमा की सतह पर अब यदि ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ये पांचवा देश बन जाएगा भारत के बाद। साउथ पोल शब्द यहाँ पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। यदि मैं बात करूँ जापान की, एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। ये होनशु द्वीप पर है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में, मैंने होनशु तो आपको बताया ही है, इसके अलावा क्यूसू, सिकोकू और ऊपर में देखेंगे तो होकाइडो, यहाँ के 4 प्रमुख द्वीप हो जाएंगे। मैं सिक्वेंस ही लिख देती हूँ, 1 2 3 4, क्यूशू, शिकोकू, यहाँ होनशु और ऊपर में होकाइडो। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी येन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हो जाएंगे। इस साल का जो G7 समिट रहा ना, ये जापान के हिरोशिमा में ही आयोजित किया गया था। इसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे। हालांकि जापान ये G7 का मेंबर है लेकिन भारत मेंबर नहीं है, जरूर याद रखें। एशिया से यदि हम देखें तो एकमात्र कंट्री जापान है G7 में शामिल। तो इसी हिरोशिमा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। और यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में, तो ये जापान के सहयोग से ही चलने जा रही है। एक चीज़ आपको अपडेट करने की ज़रूरत है कि अभी तक मैं आपको बताती आ रही थी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर है और इंडिया की रैंकिंग 85 है। अब रैंकिंग अपडेट हो गई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 प्लेस पर आ गया है। अब टॉप पर जापान का स्थान ले लिया है सिंगापुर ने। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिलेट करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से आप इसका मून मिशन आर्टमिस 2 रिलेट कर सकते हैं। भारत से आप चंद्रयान 3 रिलेट कर सकते हैं। और जल्द ही अपने मानव मिशन गगनयान पर फोकस करने जा रहा है। गगनयान ये अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। और इसके अलावा आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया जो मिशन है आदित्य L1, ये अभी ना 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा हो गई, एक जासूसी उपग्रह जो कि मैंने आपको बताया था इसराइल को, ओफिक 13, ये रिलेट कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, नई दिल्ली में
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2024 में भी हम देखें तो G20 होस्ट करने जा रहा है ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी भारत की अध्यक्षता में ऐसा फैसला किया गया, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा को ये अध्यक्षता सौंपी गई है। G20 के बारे में फिर से मैं आपको बता दूं, ग्रुप ऑफ 20 ये होता था। ग्रुप ऑफ 20 में यूरोपीय यूनियन और 19 देश शामिल थे, लेकिन अभी अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हो चुका है। ठीक है, अब ब्राजील ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये साउथ अमेरिका का ऐसा देश है ना जो कि साउथ अमेरिका की सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, मात्र दो कंट्री को छोड़ करके, और यही दो कंट्री है जो कि एग्जाम का पार्ट बनती है। यदि आप देखें तो यहाँ पर इक्वाडोर, और यहाँ पर यदि आप देखें चिली, जहाँ पर है इंडीज पर्वत श्रृंखला, आप लोगों ने याद रखी होगी। केवल इन दो कंट्री को हम छोड़ दें तो ब्राजील सबसे सीमा साझा कर रहा, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से देखिए तो उरुग्वे, यहाँ से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से थोड़ी सीमा साझा कर रहे हैं, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, फिर यहाँ पर सूरीनाम, गुयाना, इन सभी से ये सीमा साझा कर रहा है। इसकी कैपिटल ब्राजील या करेंसी ब्राजीलियन रियल हो जाएगी। यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी हाल ही में लूला दी सिल्वा ये बन गए हैं। अमेजोन नदी का विस्तार ना, अमेजोन के जंगल जिसे धरती का फेफड़ा कहते हैं, मोस्टली विस्तार यहीं पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ईयर ब्राजील है जो कि ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है। आपको मालूम है कि ना ब्रिक्स समिट इस साल तो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, साउथ अफ्रीका के बाद होस्ट करना चाहिए ब्राजील को, लेकिन इसने लॉजिस्टिक इशूज बताए हैं अपने को, जिसके बाद से बी को स्किप कर दीजिए। इस बार मतलब नेक्स्ट ईयर ये होस्ट करेगा रशिया। भारत इस साल SCO होस्ट कर रहा है, भारत इस साल G20 होस्ट कर रहा है, भारत इस साल ICC मेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, भारत इस साल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होस्ट कर रहा है। यदि हम नेक्स्ट ईयर की बात ही करें तो नेक्स्ट ईयर का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, या इसे आप कह सकते हैं समर ओलंपिक, ये होस्ट करने जा रहा है फ्रांस, और इसके लिए जो मस्कट लॉन्च हुआ है इसका नाम हो जाएगा फ्रीजियन कैप। नेक्स्ट है, देखिए मैंने आप लोगों को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में कल बताया था, जिसकी घोषणा भी हाल ही हुई है, तो उसके तीन फैक्टर लिखे हुए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है क्या सही है इसमें। तो G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 9 सितंबर 2023 को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई, तो हाँ सही है, क्योंकि 9 से 10 सितंबर ये G20 समिट के दौरान ये घोषणा की गई, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। भारत का प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला करके मिलाने की पहल को वैश्विक स्तर पर ले जाना था, ये भी सही है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं, देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी कुछ समय पहले आई थी। एथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या हुआ था कि यदि 80% पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो 20% इसमें एथेनॉल इस्तेमाल किया जाए, ताकि मान लीजिए 100% पेट्रोल का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, 100 में से 20% की बचत हुई, इसी 20% में हमने एथेनॉल मिला दिया। एथेनॉल बेसिकली गन्ने से मिल सकता है, या फिर जो कृषि अपशिष्ट होते हैं ना उससे भी एथेनॉल निकाला जा सकता है ना। तो एथेनॉल पॉलिसी को लेकर के भारत सरकार पहले भी एक्टिव थी, और अभी इसकी घोषणा भी, यानी कि इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन कर दिया है। तो बिल्कुल तीनों ही आंसर इसमें से सही हो जाएंगे। ठीक है, 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, हाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन में बिहार की किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी की पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। देखिए G20 अभी भारत होस्ट कर रहा था, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, जो जो नई न्यूज़ हम डेली पढ़ रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने ऐड करी है, क्योंकि भारत इसने इस समिट को होस्ट किया है, तो उससे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीज़ें। जैसे कि भारत मंडपम वाली न्यूज़ हुई, इसी भारत मंडपम में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का उद्घाटन किया, फिर G20, अब G21 हो गया है। G21 बना कौन है? अफ्रीकी यूनियन बना है। नेक्स्ट ईयर G20 होस्ट कौन करेगा? ये सारी चीजें हमें कनेक्ट करके याद रखनी है। ठीक है, तो रिसेंटली राजधानी में आयोजित इस G20 समिट में बिहार की जो कलाकार है शांति देवी, इन्होंने मधुबनी की पेंटिंग को प्रदर्शित किया। ये मधुबनी की पेंटिंग ना, इसे GI टैग भी मिल चुका है, बिहार का प्रोडक्ट है। इन्होंने अपनी पेंटिंग में इसरो के द्वारा सफल जो चंद्रयान 3 था, इसे अपनी पेंटिंग में प्रदर्शित किया था। ठीक है, और हाँ यहाँ से इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसे वन लाइनर फॉर्मेट भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से शांति देवी ही राइट आंसर हो जाएगा। शिवा संकरी है ना, इन्हें सरस्वती सम्मान 2023
1922 से सम्मानित किया गया इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। अभी मुझे पता है कुछ स्टूडेंट डेफिनेटली कमेंट करने वाले हैं, मैम स्पीड ज़्यादा हो गई, कुछ करने वाले हैं मैम स्पीड कम हो गई। तो देखिए 100% तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता इस दुनिया में। मैं आपको बताती हूँ, यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कम करके देख लीजिए, जिन्हें कम लग रही है तो वो थोड़ा सा फास्ट करके देख लें, तो सुविधा आप सभी को हो जाएगी। इसमें ऑप्शन तो मिलता है आपको, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं मिलता हो। तो मैंने एवरेज स्पीड रखी है जिसमें से आप लोगों को समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब बताइए मैं कितना भी स्पीड स्लो कर लूँ, आधे आधे घंटे वीडियो खींचना, 40 40 45 45 मिनट पढ़ाना सेम कंटेंट को, तो ये आपका ही टाइम वेस्ट होना है इसमें से, ठीक है। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप इसे थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं, और यदि ज़्यादा है कम कम है तो ज़्यादा। तीजन बाई की यदि हम बात करें, तीजन बाई, ये आप छत्तीसगढ़ से रिलेट करेंगे इनका नाम, और पंडवानी लोग गायिका रही हैं, ये पंडवानी से संबंधित है। नीमा बेन आचार्य, इनका नाम आप रिलेट करेंगे गुजरात से, गुजरात विधानसभा की ये पहली महिला अध्यक्ष है, नीमा बेन आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा किस राज्य किस शहर की बताई गई है। तो देखिए स्वच्छता के मामले में हम वैसे ही इंदौर को पढ़ते थे, अब सबसे स्वच्छ वायु सबसे साफ हवा भी इंदौर की बताई गई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला ये शहर रहा है, ठीक है। इंदौर, अमरावती और परवाणु, इन तीन शहरों को टॉप पर रखा गया है। भारत में मदुरई, जम्मू और कोहिमा को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों के लिस्ट में स्थान दिया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। इंदौर की यदि हम बात करें, ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है, लगातार 6वीं वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इसने इस साल का प्रवासी भारतीय सम्मेलन होस्ट किया था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। मुंबई की यदि हम बात करें, तो लगातार दूसरे वर्ष से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। इसी मुंबई में अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई। दिल्ली है जो कि सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है। नई संसद भवन जिसका टेंडर तो मिला था टाटा ग्रुप को, इसके डिजाइनर का नाम एग्जाम का पार्ट बन रहा है, मैं बता देती हूँ, ये हो जाएंगे विमल पटेल। बैंगलोर, ये वृषभवती नदी के किनारे बसा हुआ है, भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो, इसका मुख्यालय यही हो जाएगा। रिसेंटली जो ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था, सबसे ज्यादा ट्रैफिक दुनिया में लंदन में बताया गया था, इसमें ये इंडिया की तरफ से टॉप पर हो जाएगा, लंदन के बाद ये दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है। तो देखिए गोवा में होने हैं 37वें राष्ट्रीय खेल, अब यहीं के जो राज्यपाल है, चलिए राज्यपाल आपको बताना है गोवा के हैं कौन। प्रमोद सावंत, ये तो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल कौन है गूगल करिए और इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताइए। इस साल के नेशनल गेम्स गोवा होस्ट करेगा, इसके लिए मस्कट लॉन्च हुआ था मोगा। 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे ना, ये गुजरात में आयोजित किए गए थे, जिसमें कि टॉप पर सर्विसेज रहा था, ठीक है। अच्छा, खेलों के आयोजन की बात की जा रही है, गोवा का हालांकि मैप मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन ये भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज। पणजी इसकी राजधानी हो जाएगी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, इसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, अभी इसका 5वां एडिशन था, टॉप पर महाराष्ट्र था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया, टॉप पर इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रही थी। आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। तो चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें ना जो टेंडर दिया जाता है, टेंडर में जोड़ तोड़ करने, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और कौशल विकास निगम के नाम पर एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लगभग 370 करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना के घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं। अभी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, तो बिहार के जो आरजेडी के नेता थे प्रभु दयाल सिंह, इन्हें 1995 के डबल मर्डर केस में आजीवन सजा, आजीवन कारावास की सजा मिली है। नवजोत सिंह सिद्धू, रोडरेज के जो केस था ना, इस मामले में इन्हें 1 साल की सजा मिली। मनीष सिसोदिया, ये दिल्ली के ना डेप्टी सीएम है, अभी इसी साल की न्यूज है, फरवरी मार्च के टाइम की ये गिरफ्तार किए गए थे। क्या रीजन था गिरफ्तारी का,
या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के कुछ पॉइंट यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रतिवर्ष ई व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ई व्हीकल दिवस, तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए ईवी दिवस ये मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ के बारे में शिक्षित करने और दुनिया भर में इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 2020 में मनाया गया था। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, चैरिटी डे तो मनाया ही जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में नेशनल टीचर्स डे ये मनाया जाता है। 5 सितंबर को साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। कल हमने पढ़ा था हिमालय दिवस के बारे में, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल का पूछा जा रहा है और वुमेन सिंगल, पुरुष एकल और महिला एलक लिखा है, यहाँ पर सुधार दूंगी, एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए सबसे पहली बात, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में। सबसे पहले होता है साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन, और इसके बाद सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो सबसे लास्ट वाला ये यूएस ओपन है, ठीक है। तो यूएस ओपन में ना ये जो चारों ग्रैंड स्लैम है ये 5 कैटेगरी में विजेता रहते हैं। देखिए इसके मेन सिंगल, वुमन सिंगल यानी कि महिला एकल, पुरुष एकल, पुरुष एकल, महिला एकल, मेंस डबल, वुमन्स डबल यानी कि पुरुष युगल, महिला युगल, और एक होता है मिक्स डबल। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो है ये मेंस डबल, सॉरी डबल का तो नहीं पूछा जाता, वुमन सिंगल और मेन सिंगल का ही पूछा जाता है। तो इसमें वुमन सिंगल का टाइटल जीता है कोको गॉफ ने, ये अमेरिका की है। पहली बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हरा करके। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर है, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट यही हो जाएंगी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से है, ये टेनिस से संन्यास ले चुकी हैं। ईगा स्विटेक ये हो जाएंगी पोलैंड से। अब पुरुष एकल की यदि मैं बात करूँ तो पुरुष एकल का खिताब ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। इन्होंने हराया किसे है, नोवाक जोकोविक ने रशिया के जो डेनियल मेदवेदेव है इन्हें हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। राफेल नडाल हो जाएंगे स्पेन से, रोजर फेडरर ये हो जाएंगे स्विट्जरलैंड से, लेकिन अभी संन्यास ले चुके हैं। हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है, ठीक है। तो ये है कहाँ, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम अजित निनान था, इनका 68 की उम्र में निधन हो गया है। मैंने कल आपसे भारत की पहली सोलर सिटी के बारे में पूछा था जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के सांची में किया गया। आज का सवाल है दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, ये कहाँ लॉन्च किया गया। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।